मैं जब अपने गांव से पटना आ रहा था तो एक बार पूर्व भी मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसका सचिवालय थाना में मैंने केस भी किया। अभी हमको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी है। फिर रात में मोबाइल नंबर 62 96 96 91 26 पर दर्जनों बार फोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मैंने इसकी लिखित सूचना अभी सचिवालय थाना में दिया है। और चूंकि हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे संरक्षक हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी को भी उसकी प्रति दे रहा हूं और आप लोगों को भी जानकारी में दे रहा हूं। मुझे जान से मारने नंबर से आया है, नंबर बता दीजिए किस नंबर से। नंबर है 62 96 96 91 26। क्या बता रहा था अपने आप? जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब तो ये चूंकि पहले भी उसमें भी मैंने FIR किया था और मुझे ये आपको 10:38 पर पहली बार रात में संवाद में जो जान से मार देंगे, बहुत उड़ते हो, ये करेंगे वो करेंगे। पिछली दफे क्या कार्रवाई की गई? पिछली दफे जो कार्रवाई की गई उसके कारण तो मुझको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गया है। तो अब क्या मनसा है तो जांच का विषय है। मैं निश्चित रूप से मैं सबों से मिलूंगा। चूंकि वजह यही हो सकता है कि मैं सच्चाई को उठाता हूं। इस देश में जो गजबा हिंद करने वाले हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके विरुद्ध मैं बार बार उठाता हूं और ट्रू कॉलर में भी आ रहा है जो नाम, वो निश्चित रूप से जिहादी और गजबा हिंद मानसिकता वाले का है। किनका नाम सो हो रहा है ट्रू कॉलर पर, वो देख लीजिएगा आप लोग। क्या नाम आ रहा है, लोकेशन पता चल पाया क्या आप तक? हाँ, लोकेशन है, वो शायद मेरे क्षेत्र का ही है। ठीक है, क्षेत्र में जिहादी लोग हैं बहुत हैं, बिहार जिहाद के गिरफ्त में है। अभी तो मैं देख नहीं रहे हैं घटना जो हो रहा है। अगर घटना को जोड़ेंगे, चाहे वो पूर्णिया की घटना हो, चाहे सिवान की घटना हो, चाहे दलित पिछड़ों पर पूर्णिया में किया गया हो, हमारे यहाँ भी है, तो ये तो है, गिरफ्त में है भी निश्चित रूप से।